शालोम, मैं आज आपके सामने पाम संडे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि हम स्लोली स्लोली वचन में, वचन के शब्दों में हम बढ़ते हुए जाएंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमको ये मौका दिया है। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप इसको देखते हैं और आप मुझे प्यार बांटते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। इसी तरह आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जितने भी नियर एंड डियर हैं उनको जरूर बताएं। और जो नए आए हुए हैं मैं उनका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। पाम संडे जो है क्रिश्चियंस लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग अगर चर्च से जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे रेवलेशन प्रकाशन सुनने और देखने के लिए मिलता है। मेरे प्रियो, तो मैं आपको जो रेवलेशन और प्रकाशन जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, मुझे ये कहीं से मेरे मैन ऑफ गॉड से मिला और कुछ प्रेयर में। और जैसे जैसे आप वचन में और स्पिरिचुअली बढ़ते जाएंगे, होली स्पिरिट आपकी हेल्प करता है वचन को अंडरस्टैंड करने में। तो मैं आपके लिए जो वचन पढ़ने के लिए जा रही हूँ, हम खोलेंगे लूका की किताब 19 का 28 से लेकर के 36। और दूसरा हम इससे जो रेलेवेंट है आगे देखेंगे, लूका की किताब 19 का ही 37 से लेकर के 40 तक हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही किया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पार बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर के लाइन में थोड़े थोड़े अगर हम एंटर करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीप रेवलेशन में कि इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहती हूँ, अगर आप लूका 19 का 28 से 36 तक जाएंगे, तो आपको जो स्टेटमेंट जो मिलेगा, वहाँ आपको ध्यान से अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन? यीशु के द्वारा अपने चेलों को दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग लूका 19 का 37 से लेकर के 40 को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो यीशु मसीह के जो चेले हैं, उसके पास इतना एनफ ऑडेसिटी था, या ऐसा बोलूंगी कि जो यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु के साथ चलते चलते इतनी सारी आश्चर्यकर्म, मिरेकल्स इन लोगों ने देखा था, तो इनको पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि ये वही यीशु मसीह है जिसके बारे में, ये वही मसाया है, अगर आपको बोलूं, ये वही मसीह है जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई हुई थी। मेरे प्रियो, आपको जैसे एक एज ए नॉर्मल क्रिश्चियन की मैं बात करती हूँ, जैसे मैं जो है उतनी गहराई मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगता था ठीक है, अगर बता दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? गधे के बच्चे को खोलने के लिए बोला गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब जैसे जैसे आप रेवलेशन में जाते हो, तो आपको पता चलेगा मेरे प्रियो कि यहूदियों के जो समय की, जो समय काल की बात करते हैं, या यहूदियों के समय में एक प्रकार का एक ट्रेंड चला आता था कि उन लोग मसाया को याद करते होते थे, या फिर याद नहीं बोल सकते, उनके ट्रेंड में ये चला हुआ था कि हमारे इसी जनरेशन में एक मसाया आएगा। तो उनको नहीं मालूम था कि कौन आएगा, पर उनको मालूम था कि आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातों को
जाना था, सुना था, सीखा था, वो इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि यहाँ पर जो टिपिकली बताया गया है कि गधे के बच्चे को छुड़ाया जाएगा, ये बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन आपको जो देखने के लिए मिलते हैं, ये जो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन जिसकी बारे में मैं आपसे बात करूं, ये वही प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है मेरे प्रियो जो पुराने नियम में दिया गया था। तो ये पाम संडे जो है वो यीशु मसीह के आने से एक नया फीचर या एक नया फंक्शन या नया फेस्टिवल नहीं है मेरे प्रियो, ये प्रोफेटिकली बोला गया था जिसको यीशु मसीह को पूरा करना था। तो हम कैसे उसको देखेंगे, आप मेरे साथ उत्पत्ति की किताब खोलिएगा। उत्पत्ति की किताब में 49 उसका ऑनवर्स 10 एंड 11 पढ़ेंगे। 49:49 है ना, उत्पत्ति की किताब 49 का 11 से लेकर के, इनफैक्ट 11 से नहीं हम 10 से पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेंगे। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। मेरे प्यो, मैं आपको जो अभी ये वचन जो आपके लिए पढ़ा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भविष्यवाणी है याकूब ने अपने बच्चों के लिए दिया है। अगर आप उत्पत्ति की किताब 49 से जब अगर आप 49 से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बताया गया है कि याकूब अपने बच्चों को स्टेप वाइज स्टेप बोल सकते हैं कि भाई भाई को अलग अलग से वो भविष्यवाणी करके ब्लेस कर रहा था, भविष्यवाणी उनके लिए दे रहा था, प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था। तो जब यहूदा की जब बारी आई तो याकूब ने इस प्रकार का ब्लेसिंग दिया, प्रोफेटिक वर्ड दिया। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक शीलो ना आए, तो शीलो जो मेरे प्रियो पुराने नियम बताता है कि शीलो एक ऐसी जगह थी जहां पर सारे गोत्र के लोग मिल करके परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया करते थे, गेट टुगेदर हुआ करता था। तो यहूदा को जो है उनका एक पर्टिकुलर बेटा था, उसको एक भविष्यवाणी शब्द दे रहे हैं। यहाँ पर जो शीलो है मेरे प्रियो, जहां पर इकट्ठा होकर के परमेश्वर की महिमा दे रहे, एक मीटिंग प्लेस है मेरे प्रियो। और किसकी तरह पॉइंट कर रहा है, यीशु मसीह की तरह पॉइंट कर रहा है मेरे प्रियो। तो शीलो जो है ये यीशु मसीह को दिखाता है। अगर यहाँ पर आगे जाएंगे कि जब तक ना तो यहूदा को राजदंड, जब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। मेरे प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह क्यों हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर यीशु मसीह के वंशावली में अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन से ट्राइब से पैदा हुए हैं, यहूदा से। तो यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह आए हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, ये प्रोफेटिक वर्ड है मेरे प्रियो। आगे आप पढ़िएगा 11वां में जहां लिखा हुआ, अपने जवान गधे को दाखलता में, जवान गधे को दाखलता में। अगर आप दाखलता के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह क्यों नए नियम में बार बार बोलते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यहां दाखलता यीशु मसीह मेरे प्रियो। और यहाँ पर जो गधी के बच्चे के बारे में जो बात चल रहा है, इसको हम नया नियम में जहाँ पर हमको पढ़े, हमने कहा क्या लिखा हुआ कि गधी के बच्चे को वहां पर बांधा गया, उसको क्या किया जाए, खोल दिया जाए। तो यहाँ पर प्रोफेटिक वर्ड दिया गया। अगर आप ध्यान से पुराने नियम की ये उत्पत्ति 49 का 11 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के आने तक के लिए याकूब ने जो भविष्यवाणी की थी ताकि याकूब की बात सच निकले, तो उस गोत्र के लोग जो है याकूब के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, या मैं आपको ये बोलूं कि यीशु मसीह के आने से 3000 साल पहले से इन लोग कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, गधे के बच्चे को एक पर्टिकुलर एक जगह है वहां पर लोग बांधा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि गधे के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा, उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपने पहरावा दाखों के रस में धोया है। मेरे प्रियो, ये जो आप समझ रहे वैसा नहीं है। अगर हम इसको स्पिरिचुअली डीप मीनिंग जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को यहाँ पर दाखलता बोला गया है। और अगर आप अगर नए नियम में आप जा करके देखेंगे, लूका 19 का 29 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जो हमेशा जैतून के पहाड़ में
क्या करने जाते थे, प्रेयर करने जाते थे। तो यहाँ पर आप बोलोगे इसका मुझे क्या लेना देना। मेरे प्रियो, अगर आप लुका 19 का 28 जो है, लुका 19 का 28 जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वह जैतून नामक पहाड़ पर, यहाँ जो सारे सिंबोलिज्म में बात किया है मेरे प्रियो, तो जैतून नामक पहाड़ पर दाखलता का क्या काम। तो यहाँ पर दाखलता टेक्निकली फिजिकल वर्ल्ड वाली दाखलता नहीं है, यहाँ दाखलता सिंबलाइज करा यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह दाखलता है जो जैतून के पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते थे। और ये जैतून की जो पहाड़ है जो यरूशलेम में पाया जाता है मेरे प्रियो, वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ यीशु मसीह एज ए वेदी की तरह दिन रात सिर्फ वही जगह पे प्रार्थना करते थे। कभी आपने नोटिस किया है कि यीशु मसीह जब किसी को चंगा करने के लिए जाते हैं तो शुरू से बैठ करके आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए देखा आपने? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपना होमवर्क जो है उस जैतून की पहाड़ में करके आया करते थे। तो एज ए क्रिश्चियन, आप जब को अगर आपको किसी के लिए प्रेयर के लिए बुलाते हैं या आप किसी के लाइफ के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं तो मेक श्योर कि आप किसी के लिए इंटरसेसर का काम कर रहे हैं। तो आपको अपने वेदी पे या अपने ऑल्टर पे पूरी तरीके से रेडी होकर के आना चाहिए, तभी आप दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो जैतून नामक पहाड़ है जहां पर, यहाँ जो पुराने नियम में बताया है कि जो दाखलता जो है वो बांधा करेगा, तो यही है दाखलता। और जब मैं आगे आपको पढ़ाना चाहती हूँ जहां पर लिखा हुआ है कि उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। मेरे प्रभु, हमको मालूम है कि जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे और अपने अंतिम समय में वहां जा करके अपना सारा बॉडी, अपनी सोच, अपने हर एक चीजों को यीशु मसीह ने डेडिकेट किया। तो मेरे प्रभु, ये तो दूसरी स्टोरी है। पाम संडे के बारे में आपको ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक प्रोफेटिक वर्ड है। और जो गधे का बच्चा वो कौन है मेरे प्रभु? वो आप और मैं है। एक छुटकारे का दिन, ये प्रोफेटिकली हो सकता है कि यीशु मसीह जो है, जब लुका की किताब में आप देखोगे कि यीशु मसीह जो है, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया कि जा करके उस गधे के बच्चे को छुड़ाओ, तो मेरे प्रियो ऐसा क्यों हुआ कि जब गधे का बच्चा जो है उसको यीशु मसीह इंस्ट्रक्शन देता है कि जा करके उसको छुड़ाओ, और जब कोई पूछे तो कहना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, तब अगर ऐसा बोल भी दे उसके बाद भी कौन ऐसा मालिक है जो एक बार सिर्फ बोलो और अपना गधा अपने आप दे दे, गधे का बच्चा जो बंधा हुआ अपने आप दे दे? कोई नहीं देगा मेरे प्रभु। इसका मतलब मेरे प्रभु, बहुत सारे थियोलॉजिस्ट जो है अपने पेपर प्रेजेंटेशन में क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह के आने से 3000 साल पहले कंटिन्यूसली जो याकूब के शब्द पूरे हो उसको चेक करने के लिए गधे के बच्चे को उस पर्टिकुलर जगह पे 3000 साल से बांधते आ रहे थे। अगर मर जाता था तो दूसरा फिर बांधते थे, फिर अगर जिंदा होता था फिर बांधते थे। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रेडिशनल चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहूदियों को चेक करना था कि वो मसाया कौन है, वो यीशु मसीह कौन है। क्यों? क्योंकि याकूब ने बताया था कि जो भी व्यक्ति या जो भी आने वाला है उस गधे के बच्चे को खुलवाएगा वही होगा आपका छुड़ाने वाला, राज्य राज्य पर अधिकार करने वाला, उस पर राज्य करने वाला। इसीलिए वो गधे के बच्चे को बांधते थे। दूसरा जो सवाल उठता है कि ये जो गधे का जो बच्चा है उसको खोलने के बाद भी दूसरे लोग क्यों क्लेम नहीं किए, उन लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुआ मेरे प्रियो क्योंकि वहां जितने भी यहूदी लोगों को वो चीज चेक करनी थी, वो जानना चाहते थे। तो यीशु मसीह उसी प्रोफेसी को, उसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अपने चेलों को भेजा और बोला जो भी याकूब ने जो शब्द बोले उसी शब्द को दोहराया। और यहाँ पर अगर आप हिंदी के बाइबल में आप पढ़ोगे तो कोटेशन के अंदर में है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। इसका कहने का मतलब सर्टेन काइंड ऑफ पासवर्ड वहां पर दिया गया था, अगर वही शब्द अगर सुनेंगे तो कोई भी, और सबको ये जानकारी दे दिया गया था। तो जब चेलों ने वही शब्द जो यीशु मसीह ने कहा था उसको दोहराया तो उनको क्या कर दिया गया, वो गधा दे दिया गया। तो मेरे प्रियो अब जो सवाल उठता है वो गधे का बच्चा क्यों, कौन है वो? मेरे प्रियो वो गधे का बच्चा आप और मैं हैं। और जिस चीज से हम बंधे हैं वो क्या है? पापों से हम बंधे हुए मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह जो है इस दिन उस पर्टिकुलर गधे को छुड़ाने के लिए, जिसको कोई नोटिस नहीं करता था, लंबे समय से पड़ा हुआ था,
का 3000 साल से उसी बंदे, उसी ट्रेडिशन में बंधा, उसी बीमारी में फंसा हुआ, उसी सोच में फंसा हुआ है। लेकिन उस फंसे हुए को निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के जो दास होते हैं, परमेश्वर का जो वचन बताने वाले लोग होते हैं, वो वही चेले होते हैं और परमेश्वर उनको भेजता है। बहुत सारे आपके जीवन में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति परमेश्वर भेजता है। जरूरी नहीं है कि वो एक पास्टर हो, एक अगुआ हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर वो पर्टिकुलर आके यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब उसको यीशु मसीह ने आपके लिए भेजा है ताकि आप उस बंधन से छुटकारा प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आप उस बातों को ध्यान दीजिए कि जो कोई अगर आपकी परेशानी में यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको उस चीज से निकालना चाह रहे हैं, तो वो यीशु मसीह भले नहीं हो सकता, लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा भेजा हुआ एक चेला है। मेरे प्रियो, तो मैं आपको आगे का वचन पढ़ाना चाहती हूँ। आप लूका के जो किताब में 19:38 में जहां पर लिखा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। क्यों? क्योंकि याकूब ने बताया था, क्या बताया था, कि वह राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये वचन पूरा किए। अब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन में थोड़ा सा और जाएंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि आप 19:35 में पढ़िएगा, वहां लिखा हो, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यहां पर गधे के बच्चे के ऊपर कपड़ा क्यों रखा गया? बड़ी अजीब बात है, कॉमेडी वाली भी बात है, फनी बात भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे नॉर्मली हम ट्रेन पे अगर हमको जाना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं ताकि बता सके कि ये जगह हमारी है। तो मेरे प्रियो, उस समय में एक जो कपड़े को रखना मतलब एक अथॉरिटी को दिखाता है कि ये जो गधे का जो बच्चा है इसके ऊपर हमने कपड़ा रख दिया, इसका मतलब ये रिजर्व हो चुका है। यहाँ पर इस कपड़े का मतलब रिजर्व की बात करती है, अधीनता की बात करती है। अगर आप नेक्स्ट जो है 36 में आप पढ़ेंगे, जहाँ पर एक कपड़े के बारे में फिर बात किया गया है, जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। तो यहाँ पर का जो कपड़ा जो मार्ग पे रोड पे बिछाया गया, ये कपड़ा क्या है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन हमको बताता है कि हमारा जो शरीर है यीशु मसीह के लिए क्या है? अर्थली वेसल है। और यीशु मसीह जो हमारे शरीर को एक ड्रेस कोड के रूप में बताता है, कपड़े के बारे में बताया जाता है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर मार्ग पे कपड़े बिछाना मतलब क्या, आप अपने शरीर को परमेश्वर के लिए एक रास्ते की तरह दे दीजिए ताकि उसको यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करे। या मार्ग पर बिछा देने का मतलब क्या, ताकि उसमें यीशु मसीह चले। इसका मतलब आपका जो कपड़ा, आपका जो ये बॉडी है यीशु मसीह के लिए कपड़ा है। अगर आप अपनी बॉडी को यीशु मसीह को देते हैं तो यीशु मसीह उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाम संडे है, ये खुशी का समय है। और जो हम खजूर की डाले जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, खजूर को स्पेशली हम लोग क्यों इसमें रेफरेंस दिया गया है, क्यों? क्योंकि बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि जो खजूर है एक स्वर्गीय पेड़ है। इसका सेम टू सेम नमूना आपको हेवन में भी देखने के लिए मिलेगा। और खजूर जो है ड्राई प्लेस में भी उग जाता है और फ्रूट्स लेकर के आता है। उसी तरह आप मसीह चाहे कितने भी सूखी तराइयों में, परेशानी और तकलीफों में भी क्यों ना चले, अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आप उस सूखे प्लेस में भी फल लेके आएंगे यीशु के नाम से। तो ये खजूर हमको बताता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना, आपको फल लेकर के आना है। तो पाम संडे जो है आपके ड्राइनेस में भी फल लाने का काम करता है। और ये जो गधे का जो बच्चा है, ये छुड़ौती, वो गधे का बच्चा आप है जिसको यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आ रहा है। आपका सिचुएशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर यीशु मसीह आपको विक्ट्री देने के लिए आ रहा है। आप तीसरी चीज हम सीखने को मिलता है मेरे प्रियो, कि आपका जो ये शरीर है एज ए क्लॉथ है, एज ए कपड़ा है, एज ए ड्रेस कोड है। तो आप इस ड्रेस कोड के अधीन मत हो जाइए, इस ड्रेस कोड को अपने अधीन करके यीशु मसीह को दे दीजिए ताकि यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर सके। सो आज का वचन इतना ही, और इस वचन पे और मेडिटेट हम करेंगे। और सबको पाम संडे, थैंक यू, शालोम।